फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। पीटीओ स्प्रे पंप। दोस्तों, इस स्प्रे पंप को ज़्यादातर लोग खेती में या खेतों में दवाओं का छिड़काव करने के लिए करते हैं। जो लोग बड़े फार्मर हैं, जिनकी खेती एकड़ में है, 40 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 200, 500, इस तरह जिन लोगों की खेती है, वो लोग स्प्रे दवा का छिड़काव के लिए ट्रैक्टर पीटीओ स्प्रे पंप का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये महिंद्रा ट्रैक्टर है और पुराना ट्रैक्टर है। पंप है जो ट्रैक्टर से चलता है। ट्रैक्टर के पीटीओ से इसको अटैच करते हैं, इंगेज करते हैं। और इसमें दो टैंक हज़ार लीटर के हैं। इसका मतलब है कि इसमें टोटल स्प्रे के लिए पानी 2000 लीटर स्टोर कर सकते हैं। और एक एकड़ के लिए 100 लीटर पानी काफ़ी होता है, तो 2000 लीटर से हम 20 एकड़ स्प्रे कर सकते हैं एक बार में। टैंक को पानी से भरकर हम 20 एकड़ या 20 किले एरिया में स्प्रे कर सकते हैं। ये सिंगल टैंक पीटीओ स्प्रे पंप है। इसकी कैपेसिटी 1000 लीटर है। वैसे इसमें लगभग 1100 लीटर भी पानी भर सकते हैं। ये है गोगी एग्रीवर्क्स, खुटी रोड, हंडियाया। ये इनका मोबाइल नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर। यदि आप चाहें तो कॉल कर से इसकी जानकारी ले सकते हैं, इसको ख़रीद सकते हैं। इसमें 300 मीटर पाइप है और पाइप का साइज है 10 mm। पंप 70 नंबर पंप है और इसमें न्यू टायर हैं। ये एक दिन में लगभग 50 से 60 एकड़ स्प्रे कर सकता है, जिसमें 5 से 6 लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितनी एरिया को स्प्रे करेंगे। यदि आपके पास 2-4 एकड़ है तो आप अकेले ही कर सकते हैं, और यदि ज़्यादा है तो फिर आपको लेबर बढ़ानी पड़ती है। लेबर का जो मेन कार्य रहता है, वो पाइप को पकड़ने और स्प्रे करने के लिए। इसको इस तरह घुमाकर हाथ से रोल करके इसको पाइप को इसको बाइंड करना होता है, ताकि ज़रूरत के अनुसार इसे यूज़ किया जा सके। इसको मैनुअली घुमाते हैं, हत्ता पकड़कर, और इस तरह पाइप को बाइंड करते हैं। दोस्तों, ये मोबाइल नंबर है गोगी एग्री वर्कशॉप। यदि आप खरीदना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस 1000 लीटर टैंक वाले पंप की स्प्रेयर पीटीओ पंप की कीमत है 84,000। यदि आप 1000 लीटर वाला टैंक और 300 मीटर पाइप 10 mm और 70 नंबर का पंप लगा हुआ इस तरह का पीटीओ स्प्रे पंप चाहते हैं, तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी 84,000 लगभग। ये नेगोशिएट हो सकता है, अप डाउन हो सकता है समय के अनुसार।
कभी कभी मार्केट में रेट चीज़ें महंगी मिलती हैं तो रेट थोड़ा बढ़ जाता है, और मार्केट में जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो रेट कम भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है समय के अनुसार कि उस समय मार्केट रेट चीज़ों का क्या है। ये शाफ्ट है जो ट्रैक्टर के पीटीओ से इंगेज करते हैं। ये पंप है, इसमें जो ऊपर वाला पाइप है इससे जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको टैंक में वापस चला जाता है। और दूसरा वाला जो पाइप है वो टैंक को भरने के लिए, पानी भरने के लिए है। पंप काफ़ी मजबूत है इसलिए थोड़ा कॉस्टली भी है। ये जो पाइप है वो जो बैक ओवर पानी जो हो जाता है, ओवर या एक्स्ट्रा पानी, वो वापस टैंक में चला जाता है। और ये पाइप लगाकर टैंकों को भरने के लिए काफ़ी टाइम लगता है उसको बाइंड करने में रोल पे। ज़रूरत के अनुसार आप पाइप को घटा बढ़ा सकते हैं। ये ड्रेन टैब है या टैंक को खाली करने के लिए टंकी। जब कभी भी टैंक को खाली करना होता है, कंप्लीट पास आउट या धुलना होता है, तो फिर इस टैप को इस्तेमाल करते हैं और टैंक का सारा पानी निकाल देते हैं। इसकी सपोर्ट स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है और मजबूत है। इसका फ्रेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिज़ाइन भी, ताकि 1000 लीटर पानी को लाने ले जाने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। फार्मिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। कैसी लगी मेरी वीडियो? यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करना ना भूलें।